आज का मेरा वीडियो जेट प्लांट पर है। देखिए, मैंने कुछ दिन पहले ही जेट प्लांट की कटिंग्स लगाई थी और अब बहुत अच्छे से चल गई हैं। अब इसे ज़रूरत है ट्रांसफ़र करने की बड़े पॉट में। जब एक बार कटिंग्स चल जाती हैं तो फिर आप उसे बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि जब अब इसे अच्छी खाद वगैरह चाहिए, अच्छी मिट्टी चाहिए जिसमें यह अच्छा पनपे और सर्वाइव करे। तो देखिए, पहले मैंने इसे कोकोपीट में लगाया था। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी कटिंग है तो उसे कोकोपीट में लगाएंगे तो उसका जो चलने का परसेंटेज है वह 100% होगा। क्योंकि अगर हम सिंपल मिट्टी में लगाते हैं तो कई बार हमारी कटिंग कुछ चलती हैं कुछ नहीं, लेकिन अगर आप कोकोपीट में लगाते हैं तो 100% कटिंग चलती है। यानी आप जितनी भी कटिंग लगाएंगे सारी कटिंग्स चलेंगी, क्योंकि ये हल्की होती है, इसमें रूट्स जल्दी निकल आती हैं और रूट्स को पनपने में जैसे फैलने में भी आसानी रहती है। क्योंकि मिट्टी है तो मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं पास पास होते हैं, कोकोपीट के दूर होते हैं, तो रूट्स को ज़्यादा निकलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, बहुत आसानी से वह निकल जाती हैं और फैल जाती हैं। तो और इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि पानी, हल्की नमी बनी रहती है जो कि कटिंग के लिए बहुत आवश्यक है, और ज़्यादा पानी भी नहीं ठहरता है, निकल भी जाता है। तो जितना पानी की रिक्वायरमेंट हो चाहिए उतनी बनी रहती है रूट्स के लिए, रूट को पनपने के लिए। तो अब इसको बड़े पॉट में मैं ट्रांसफ़र करूँगी। तो हमेशा आप जब भी पौधा लगाएं तो पौधे के अकॉर्डिंग ही आप गमले को चूज़ करें, क्योंकि अभी मेरी छोटी छोटी सी कटिंग है, छोटे छोटे से पौधे बने हैं, तो इन्हें मैं और थोड़े से बड़े पॉट में लगाऊंगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट अगर चूज़ कर लेते हैं तो फिर हम पॉट के अनुसार ही पानी देने लग जाते हैं, जिससे कि हमारा पौधा गल भी जाता है। तो इस तरह से आप हमेशा पौधे के अकॉर्डिंग ही अपना गमला चूज़ करें। और दूसरा, आप जब भी लगाएं, जैसे अब मेरी ये रूट्स इसमें निकल आई हैं तो अब इसे अच्छी खाद वगैरह की ज़रूरत होगी, तो हमेशा रिच सोइल में लगाएं। यानी जितनी अच्छी मिट्टी प्रोवाइड कराएंगे पौधे में उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी, शाइन आएगी। तो मैंने इसमें कोकोपीट और थोड़ी सी वर्मिंग कंपोस्ट, नीम की खली वगैरह सबको मिला के मिक्सर बना लिया था। आप इसमें किचन वेस्ट से बनी हुई खाद भी बना डाल सकते हैं, क्योंकि वह भी बहुत बेस्ट होती है। और इसके बाद मैंने इसको अच्छे से लगा दिया है। अभी तो मैं इसे छाया में रखूँगी एक दो दिन, और उसके बाद आप इसे हल्की धूप छांव वाली जगह पर रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से चलेगा जेट प्लांट। और बिल्कुल ज़्यादा तेज़ धूप वाली जगह में भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा छाया वाली जगह में भी नहीं रखना, मीन्स हल्की धूप वाली छाया वाली जगह में ये बहुत अच्छे से चलता है। सकुलेंट प्लांट है, बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, और इस तरह से इसे आप लगा सकते हैं।